28 जनवरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सैनिक थे। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले मुख्य क्रांतिकारियों में से एक थे। वह पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पल में से एक थे। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की। लाला लाजपत राय ऐसे लीडर थे जिन्होंने बहुत से क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। उनमें से एक शहीद भगत सिंह थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में यह बुरी तरह घायल हो गए और इसके 3 हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर मृत्यु दिन आज भी भारत में शहीद दिन के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले गांव में एक अग्रवाल बनिया परिवार में हुआ था। वह मुंशी राधा किशन आजाद और गुलाब देव के ज्येष्ठ पुत्र थे, जहां उनके पिता एक उर्दू शिक्षक थे और उर्दू तथा फ्रांस के अच्छे जानकार थे। इसके साथ ही इस्लाम की मान्यताओं में भी उनकी गहरी आस थी। वह मुसलमानी धार्मिक अनुशासनों का भी नियमित रूप से पालन करते थे। नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना उनकी जीवन चर्चा का अभिन्न अंग था। अपने पुत्र लाला लाजपत राय के आर्थिक सामाजिक बन जाने पर उन्होंने वेद के दार्शनिक सिद्धांत को समझने में भी रुचि दिखाई। पिता की इस जिज्ञासु प्रभावित का प्रभाव उनके पुत्र लाजपत राय पर भी पड़ा था। लाजपत राय के पिता वैश्य थे किंतु उनकी माता सिख परिवार की थी। दोनों के धार्मिक विचार विभिन्न विभिन्न थे। वर्ष 1879 में वकालत की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ वह गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश हुआ और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भविष्य के स्वतंत्रता सैनियों के संपर्क में आए, जिन्हों अच्छे दोस्त बन गए और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में शामिल हो गए। वकालत और राजनीतिक जीवन। लाला लाजपत राय जी ने सरकारी कॉलेज से द्वितीय श्रेणी में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और हरियाणा के रोहतक और हिसार में अपनी वकालत शुरू कर दी। वकालत के अलावा लाला जी ने कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लिया। वह हंसर नगर पालिका के सदस्य और सचिव चुने गए। वह 1992 में लाहौर चले गए। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 मुख्य हिंदू राजवादी नेताओं में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन लाल पाल के साथ इस तीनों मूर्तियों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समक्ष देश इनके साथ हो गया। ये थी एसएन न्यूज की रिपोर्ट।